नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अम्बेडकर क्लासेज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10th साइंस क्लास के MCQ क्वेश्चन प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, जो लेसन हमने स्टार्ट कर रखा है उसका पार्ट टू है। चलो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है, तो इसका आंसर फसल क्षेत्र, समुद्र तट, नदी तट, इनमें से आंसर है वन। ठीक है जी, इसका आंसर है वन, तो इसका वन है आंसर। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को क्या कहा जाता है? कर्नाटक में जल संग्रहण को एरिस आहार संग्रम कट्टा, तो इनको कट्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कट्टा कहा जाता है। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। इसके बाद आ गया, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो इसका आंसर है बी, सूर्य। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया, वन संपदा का एक उदाहरण है लकड़ी, एल्यूमिनियम, मिट्टी, तांबा, तो इसका आंसर है लकड़ी। ठीक है जी, निम्न से जैव अनिमिकरणीय पदार्थ है, DDT, कार्ल्स, व्हाइट मल, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर है DDT। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ गया, वर्षा जल संचयन कहलाता है, जल प्रदूषण, जल संचयन, भूमिगत जल का परिपूर्ण, जल शोधन, तो इसका आंसर है भूमिगत जल का परिपूर्ण। वन संपदा का एक उदाहरण है मिट्टी, जल, कोई नहीं लकड़ी, तो इसका आंसर है लकड़ी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ गया, निम्न से कौन सा जैव अनिमिकरणीय प्रदूषक है? मलमूत्र, घर की रसोई का कूड़ा, कृषि उत्पादिक अपशिष्ट, कीटनाशी, इसका आंसर है कीटनाशी। वन संरक्षण का उपाय है नए वृक्षारोपण द्वारा, वनों की कटाई पर रोक, जनसंख्या वृद्धि पर रोक, इनमें से सभी, तो ये सभी हैं। तो आज के हमारे ये क्वेश्चन थे। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।